वैसे दोस्तों बीते दिनों की बात है, मेरे बेटे का बर्थडे था, मतलब कि 14 अगस्त को। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, हो सकता है आप लोगों का भी बेटा हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे कोई ज्यादा दूर रहता नहीं है, हमारे पड़ोस में ही रहता है, जिसका नाम है पाकिस्तान, यही वो बेटा है। मगर नालायक बेटे की भी हद होती है यार, जैसे ये नहीं बर्थडे आता है, इनके प्रधानमंत्री हो गए या फिर इनके राष्ट्रपति जो भी लोग हो गए, वो सब एक ही चीज के बारे में हगना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर लोगों के बारे में कहते हैं कि हम लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, और धारा 370 जब से हटाई गई है, तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, इनके पिछवाड़े में इतना तगड़ा करंट लगा हुआ है कि 440 वोल्ट फेल है। इनकी तसल्ली से फट चुकी है, मगर फिर भी ये लोग सिलवाने को तैयार ही नहीं है, बस कटोरा लेके भीख मांगना इन लोगों की आदत बन चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में ये लोग बस खुन्नस ही उतार सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर चिल्ला सकते हैं, क्योंकि करना धरना कुछ इनके बस का है नहीं। रही बात जब से रफेल आया तब से ये लोगों के लिए सबसे खासियत की बात यही है, किसी ने चौड़ा करके ये जरूर कह सकते हैं कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए रफेल मंगाया। अगर किसी ने आंख दिखाई तो रफेल सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय कोरियर, रेल के धमाके में सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। बट दोस्तों कोई भी ऐसी ओकेजन आती है, यहाँ के जो बल्लेबाज हैं, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी भी बैटिंग करने में पीछे नहीं हटते। बैटिंग करते हैं मगर वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही करेंगे, जो कुछ भी उगलेंगे वो इंडिया के अगेंस्ट ही उगलेंगे। और कश्मीर मुद्दे के बारे में वहां के लोगों को ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा, जब से 370 हटाई गई है, वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, बल्कि रियलिटी इससे कहीं अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई लोग भी इस बयानबाजी को महत्व देगा नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई महत्व है ही नहीं। अब जब नलायक बेटा हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से उसे बायकॉट कर देंगे। हमारी कुछ फीलिंग और भावनाएं इन लोगों के साथ में जुड़ी तो रहती हैं, बट ऐसी कंडीशन में ये नहीं है कि हमारा बच्चा कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बके जाए और हम लोग सुनते जाए आराम से चुप बैठे, तो ये चीज भी तो गलत बात होती है ना। वैसे देखो यार, एक तो होता है शेर और एक होता है बबल शेर, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों को बबल शेर बहुत ही अच्छा लगेगा। और बात करें अगर दाढ़ी वाले कंपटीशन की, अगर इसे पूरे वर्ल्ड में आयोजित कर दिया जाए तो नॉर्मल सी बात है, इसमें मोदी जी के अलावा कोई बाजी मार ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान से देखो इसे, देख रहे हो आप लोग, बबल शेर है और एक इंसान के रूप में बैठा हुआ बबल शेर है, बस मौके की तलाश है। यहाँ पे बबल शेर को जब भूख लगती है तो भाई साहब वो हमला करता है, और अगर घायल हो जाता है तो आतंक मचा देता है। ऐसी कंडीशन हमारे मोदी साहब की है, अगर इनको भूख लगे समझ लेना भैया होने वाला है कुछ ना कुछ, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक दे मारी थी, और अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो भैया राफेल तना है, और इस बार तो निशाना ऐसा है बाय कोरियर सीधा मेन पॉइंट पे मारेंगे, और फाटने में कोई देर नहीं लगाएंगे। तो इसलिए बकैतियां अपनी बंद कर दो, फालतू की बकैतियां मत किया करो यार, बच्चे हो बच्चों की तरह रहो, नलायकी मत दिखाया करो। हम अब्बा है मानते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना अब्बा के प्यार का गलत फायदा उठा लोगे और आंखें दिखाना शुरू कर दोगे। वैसे 14 अगस्त के लिए आपको हैप्पी बर्थडे, और आप जियो हजारों साल, यही हमारी कामना है। बट जितना आप लोग हमारे बारे में भोगते रहते हो या फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उठाते रहते हो, उतनी अपनी जनता के बारे में उनका ध्यान रख लिया करो, उनके अधिकारों के बारे में सोच लिया करो, गरीबी को कुछ उठाने पे, शिक्षा के लेवल पे, हॉस्पिटैलिटी अपनी, इन सारी चीजों को ठीक कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट नहीं, नालायक बेटे की तरह तुम्हें नालायकी करनी है, और अब्बा का दिल हमेशा दुखाना ही है। बट कोई बात नहीं बेटा, अब्बा इस टाइम पे सीधे नहीं बैठे हुए, अब्बा भी बड़े ढेठ बैठे हुए हैं, बता रहा हूँ, अगर भूख लगी तो सीधा हमला होगा, और अगर किसी ने चोट कर दी तो भाई सब समझते हो ना, आतंक बचेगा आतंक, तो इसीलिए औकात में रहा करो। तो बस यार, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत। Through the wastelands, through the highways.